मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल संसदीय कार्य विधि एवं विधायी विभाग मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को अधिकारियों के साथ में किला चौक दतिया स्थित गृह विभाग बग्गी खाना की 7930 वर्ग मीटर की 57.09 करोड़ की लागत से प्रस्तावित शासकीय निर्माण कार्यों के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा आमजन से भी चर्चा कर सुझाव मांगे। बग्गीखाने में इस दौरान मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के कमिश्नर श्री भरत यादव, कलेक्टर श्री संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के अपर आयुक्त श्री शैलेंद्र वर्मा और उपायुक्त श्री एस के सुमन, कार्यपालन यंत्री श्री एल एल मालवीय, सहायक यंत्री हेमंत कुमार गुरैया आदि उपस्थित थे, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किला चौक दतिया स्थित गृह विभाग बगीखाना से 7930 वर्ग मीटर भूमि पर पुनर्खनित्वीकरण योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना 57.09 करोड़ की है, जहां पर योजना के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों के साथ किला चौक का सौंदर्यीकरण भी करना है। उन्होंने कहा है कि योजना का मूल भाव भूमि का सदुपयोग हो और अधिकारी यहां आकर मौका का स्थल निरीक्षण कर सर्वे का कार्य करेंगे, तोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। पुनर्घनत्वीकरण योजना के दौरान बग्गीखाने में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए, और जिसमें पूर्व विधायक डॉ. आशाराम अहिरवार, पूर्व विधायक श्री प्रदीप अग्रवाल और भांडेर विधायक प्रतिनिधि डॉ. संत राम सिरोनिया, श्री योगेश सक्सेना, श्री पंकज शुक्ला, डॉ. सलीम कुरैशी, श्री विपिन गोस्वामी, श्री प्रशांत ढेंगुला और श्री दीपक बेलपत्री, श्री गिन्नी राजा परमार, श्री गुड्डी साहू आदि ने भी सुझाव दिए। इस दौरान जनप्रतिनिधिगण आदि उपस्थित थे। जो आपके सामने रखी है, जहाँ तक डॉक्टर साहब ने अस्पताल का कहा है, वो अभी इसमें हमने रखा हुआ है। अभी अधिकारी आएंगे तो और उनको एक बार मौका दिखा देंगे, फिर इस पर सर्वे नियुक्त होगा और फिर उसके बाद में टेंडर फ्लोट होंगे। उस नक्शे के बाद कोशिश करेंगे कि नक्शा आ जाएगा, फिर एक बार लाने की कोशिश करें, पर आज से प्रथम चरण की शुरुआत है। एक हाथ सीढ़ी चढ़ जाए, ये शुरुआत कर रहे हैं। दूसरे कौन ने उठाएगा हाथ? जो आपके सामने रखी है, जहाँ तक डॉक्टर साहब ने अस्पताल का कहा है, वो अभी इसमें हमने रखा हुआ है। अभी अधिकारी आएंगे तो और उनको एक बार मौका दिखा देंगे, फिर इस पर सर्वेयर नियुक्त होगा और फिर उसके बाद में टेंडर फ्लोट होंगे। उस नक्शे के बाद कोशिश करेंगे कि नक्शा आ जाएगा, फिर एक बार लाने की कोशिश करें, पर आज से प्रथम चरण की शुरुआत है। एक हाथ सीढ़ी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।